हेलो क्लास यूकेजी, आपको मैंने लास्ट क्लास में ये असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए बताए थे। बहुत सारे वर्क हुए हैं और मेरे पास आए भी हैं, मैंने उनको चेक भी किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वर्क कर रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उससे भी अच्छी बात ये मेरे लिए है कि आपने मेरे वीडियो को देखा और उसे समझा और उस पर वर्क किया और मुझे सेंड किया, ओके। जो लोग मुझे सेंड नहीं कर पा रहे हैं वो प्लीज़ वर्क करें और सेंड करें। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर ये सारी चीज़ कल मैं समझाए थे कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, यानी ग्रेटर से लोअर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह नंबर्स में भी होते हैं, है ना। जैसे कि आप 4 फ्लोर पर हैं और आप 1 फ्लोर पर आ गए तो आप क्या किए, पहले ऊपर थे 4 तल्ले पे सबसे ऊपर और उसके बाद नीचे आ गए, तो ये आपका ऑर्डर क्या हुआ, डिसेंड हुआ, आप नीचे की तरफ आए, ठीक है। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर में कहा जाता है। कहीं कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखा होता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। चलिए तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया हुआ है, दूसरा मैं बताऊँगा। 98, 95, 90, 76, 80, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा पे ख़त्म करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 98। यहाँ बुक में क्या किया, पहले 98 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन है, तो 98 से छोटा ये सब है लेकिन उससे जस्ट छोटा तो कौन है, 95। तो यहाँ 95 हो गया, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा हो गया 90, या 90 लिख दिया, उससे छोटा 80 और सबसे छोटा 76। इस तरह से हम बड़ा से स्टार्ट करते हुए सबसे स्मॉलेस्ट पर ख़त्म किए, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह नंबर है, देख लीजिए, यहाँ 110, 121, 118, 125 और 102। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आप देखेंगे तो ये नंबर सबसे बड़ा है, तो इसको सबसे पहले लिखना होगा। सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे छोटा कौन है, इससे छोटा तो सब है लेकिन इससे जस्ट छोटा है आपका 121, ठीक है, 121। उसके बाद 121 से छोटा कौन है, तो 118, ठीक है, और इससे छोटा 110 और सबसे छोटा 102। इस तरह से आपको ये जो है कंप्लीट करने हैं। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, इसको पॉज करके आप देखेंगे और इससे क्वेश्चंस नोट करेंगे और कॉपी में सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, मैं आपको चेक करूंगा, इस पर रिमार्क दूंगा, प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। थोड़े से नंबर्स बड़े हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से, अपने भैया दीदी, किसी से, मम्मी पापा, किसी से हेल्प ले सकते हैं और उसको कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।